फतेहाबाद पुलिस और गोपुत्र सेना के द्वारा संयुक्त रूप से गोवंश के अवशेषों और गोमा से भरी गाड़ी को पकड़ा गया है। हासपुर रोड मेन हाईवे पर इस गाड़ी को पकड़ा गया, जिसके बाद इसे सदर थाना में लाया गया और अब अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसको लेकर जानकारी देते हुए गोपुत्र सेना के सदस्य जोनी कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि गौ अवशेषों से भरी हुई गाड़ी क्रॉस करने वाली है, जिसके बाद वह सभी हासपुर मेन बाईपास पर पहुंच गए। जिसके बाद जब गाड़ी को आता देख उन्होंने गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की तो चालक मौके से भाग निकला और उसके बाद उन्होंने डायल 112 की टीम को सूचना दी। गाड़ी के चालक ने धोखा देने के लिए दो दो नंबर प्लेट लगा रखी थी, एक पर यूपी और एक पर हरियाणा का नंबर लिखा हुआ था। फिलहाल सदर पुलिस के द्वारा इस मामले में वेटनरी डॉक्टर की सलाह भी ली जा रही है ताकि ट्रक को खाली करवाया जा सके। इसको लेकर जानकारी देते हुए सदर थाना प्रभारी रुपेश चौधरी ने बताया कि पुलिस द्वारा गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। गाड़ी पकड़ी गई सर, मैं गोपुत्र सेना से जोनी बोल रहा हूँ। ये हमें रात खबर मिली थी कि सिरसा की तरफ से गाड़ी आ रही है गौ मास की भर के, तो हम निरतिया चुंगी पे खड़े हुए थे सर। वहाँ पे देखा ये इस गाड़ी में स्मेल आ रही है, तो हमने 112 को डायल किया। फिर हमने इसे दांगड़ रुकवाया सर। दांगड़ ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया सर। एक ही जगह था इसके अंदर जी? हाँ जी, एक ही बंदा था इसमें। तो ये पता लगा जी कहाँ से? नंबर प्लेट भी बदली हुई बता रहे हैं। नंबर प्लेट आगे तो HR सर, पीछे है यूपी, साइड में यूके नंबर है। ठीक है, तो पूरी गौ मास से भरी हुई है जी? हाँ, नीचे गौ मास है जी। तो पुलिस ने जब्त कर लिया जी गाड़ी को? हाँ जी, इसमें जब्त कर लिया जी। ठीक, क्या नाम है अपने आपका जी? मेरा नाम जोनी है जी, गोपुत्र सेना से। ये अपनी टीम है जी सारी। क्या मामला सर ये? इसमें कल रात को मतलब लेट नाइट एक दरखास्त प्राप्त हुई थी थाने में। गौरव की द्वारा एक दरखास्त दी गई थी कि भी दांगड़ के इलाके के पास इलाके में हाईवे के साथ एक जो है मिनी ट्रक है, जिसमें गो अवशेषेस हैं जो पुराने, और उसमें काफ़ी मांस और ये चीज़ें हैं। तो जिस पे उन्होंने एक लिखित दरखास्त लेके प्राप्त करके उस पे मुकदमा दर्ज किया है, और मुकदमा दर्ज करने के बाद में वेटनरी सर्जन का एक पैनल बोर्ड बनवा कर उसके सैंपल्स वगैरह लिए जा रहे हैं, और उसके बाद इलाका मजिस्ट्रेट से इसकी परमिशन लेके डिस्ट्रॉय कराया। तो